मुबारा को बिल्कुल मजा नहीं आ रहा मेरे साथ फिर हैंड हो गया जो मैंने नई बैटरीज खरीदी थी वो हालांकि ड्राई खरीदी थी दो सौ पच्चीस वोट की धो वो चाहे बेच के लगा दी थी कि मेरे कुछ साल निकल जाएंगे लेकिन अभी उनको छः महीने भी नहीं हुआ और बैकअप टाइम सत्रह में exactly, आप बाकी चीज़ें बंद भी कर दे तब भी वो चलने के लिए थे है हाँ। एक पंखा भी नहीं चला सकती वो ठीक है हाँ।

अगली एपिसोड में क्या डायरेक्टर हाँ हा। ठीक है लेकिन इसका सीन ये है कि अभी मैंने सिर्फ चार एपिसोड देखे हैं हाँ। लेकिन आप जरूर देखिए उसकी वजह ये है कि अगर आगे कहानी में टिटी हो भी गई तो भी आ, एक तो कास्ट इतनी खूबसूरत है कौन है مثل, बेसिकली कास्टिंग का तो तो हाँ दूसरा हाँ। हाँ। वो शूट इतना खूबसूरत हुआ हुआ है ऊपर से वो राजस्थानी टाइप का हाँ। मॉल हाँ। तो इस वजह से जो है ना वो अब वो अच्छा है बुरा है वो बस देख रहे हैं ऊपर से हाँ तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज

ठीक है ये जस्ट फॉर द सेक ऑफ ब्यूटी एंड एवरी थिंग एल्स अच्छा रिकमेंडेशन में मैं लास्ट शो में आप लोगों का था मैं बिल्कुल वीकेंड के करीब जो और बोलना आ, था आ, तो कैसे कैसे तुम खत्म कर सकते हो मैं कैसे ये स्पेस ले सकती हूँ बोलो हाँ, मुझे हाँ. इसमें ये भी एहसास हुआ है कि डिंपल कपाड़िया एक्टिंग कर लेती है आ, या आई लव्ड हर इन दिल चाहता है इसमें अच्छा या आई लव्ड हर रोल शी वाज शी प्लेड अ वेरी स्ट्रांग रोल एंड शी वाज रियली गुड एट इट हसीन तो वो हमेशा से कमाल है लेकिन वो है। आ, ये, है। ये, मुझे इसमें ना जरा एक्टिंग वाला मुझे माहौल इसमें और ज्यादा ना इसमें ज्यादा लग रहा था मेरी मां की फेवरेट एक्ट्रेस है बाय द वे वो हम कहते हैं कि उसका कोई मुकाबला नहीं है खैर एनीवे तो जाने दोनों के बाद फेवरेट तो वो हम सब की है हां जी ये तो है अच्छा आगे मैंने आप लोगों से लास्ट बार मैं प्रॉमिस किया था कि आई विल गिव यू समथिंग फॉर द वीकेंड जिसके लिए आपको उठ के सिनेमा बजना पड़ेगा व्हिच इज स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स इस मैं बिल्कुल अंदर उस सिनेमा में गई थी मैंने पिछली कोई मूवीज़ नहीं देखी हुई थी मुझे कुछ पता नहीं था मुझे बस ये पता था कि स्पाइडर मैन होता है ठीक है एंड दैट मूवी द कलर्स द मल्टीवर्स हर तरह की एक इंडिया की थी इंडिया की पाए द वे द मोस्ट हिलेरियस वन थी ठीक है और उसके डायलॉग्स बहुत मज़ेदार थे और शुभम गिल जो है क्रिकेटर uh, जो है ही केव द ओवर वॉइस वॉयस पंजाबी एंड हिंदी इन दैट मेन कैरेक्टर की आवाज़ कोई और थी लेकिन शुभम ने जो है वो दी हुई है उसके अंदर एंड सो मैनी स्पाइडर मैन सो मैनी यूनिवर्सिस ठीक है उस सारों को मिलाना उसकी पूरी यूनिवर्स को क्रिएट करना द कलर द फॉर्मेशन द कल्चरल इंटीग्रेशन माई गॉड इज इट इज हैपनटाइजिंग जैसे कि हमारी फिर दो हजार इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट विजुअली लीजिंग एक्सपीरियंस आई एव सीन आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम रेटिंग में बेशक आपको नाइन नज़र आ रहा है मैं उस रेटिंग पर भी नहीं जाती हूँ मैं ये कहती हूँ कि अगर मैंने कोई ऐसी मूवी देखी थी जिसके अंदर मैं यूँ मेरे साथ जब मेरे सारे बैठे हुए थे मैं उनको भी लिफ्ट नहीं करा रही थी कि ये मेरे साथ आए हुए हैं ठीक है मेरा सारा ध्यान उसके अंदर था यू रियली हैव टू वॉच दिस मूवी इट्स नॉट इवन आवर के बच्चों की लव द एस्थेटिक्स यू विल लव द स्टोरी लाइन एंड एवरीथिंग एल्स एंड द साउंड ट्रैक्स द संग्स वर शिक्स खूबसूरत तो अगर आप लोग इस वीकेंड पे बोर हो रहे हैं जो कि आप हो ही रहेंगे क्योंकि इस मुल्क में सब बो ही हो रहे होते हैं तो आप लोग जाएँ जाकर सिनेमा में ये मूवी जरूर देखें बच्चों को भी लेके जाए बड़ों को भी लेके जाए कोई गंदा सीन नहीं आता ईजी सीन है तो जरूर जाके देखिएगा मैंने तकरीबन यही हाँ बात सिकंदर से भी सुनी हाँ ठीक है, है।, है हाय सिकंदर तो आ, आ, तुमने भी जाना है तुम भी देख करो बाकी में बहुत मजा आएगा और वो जो इंडियन पार्ट है ना उससे तो बात ही गेम ही उठा दी है उसकी सारी की सारी तो डू वॉच दैट अच्छा जी अपन ने रेकमेंडेशन आपको पहले ही दे दी है तो ने आप... ने देख से रहे <laughs> छटके <laughs> ना ठीक है वैसे तो आप लोग ना बीच में हम नीचे जाके खुद ही रेकमेंड ये किया हुआ है कोई देखता ही नहीं फिर मेरे ख्याल से एंड था वो कहते मिल गई रेकमेंडेशन हम जा रहे हैं अच्छा रेकमेंडेशन को छोड़े पर आप ये देखें नई पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान में लॉन्च हो गई है अभी हम स, जो है एडजस्ट ही कर रहे थे हम कह रहे थे ये इधर जाएगा ये उधर जाएगा वो कहीं नहीं गया पूरी पार्टी लॉन्च हो गई और उसका नाम है इस तहकाम पाकिस्तान पार्टी एंड कंसिडरिंग uh, के इस मुल्क को स्टेबिलिटी चूँकि नहीं गुजरी अली क्वाइट अ ब्रेव नेम टू हैव दिस ऑन बोर्ड के और बाय द वे उसके अंदर जितने लोग भी शामिल हुए हुए हैं उनकी भी कभी कोई इस तहकाम हमारी पॉलिसी नहीं कदिए थे क दिया थे कदिए तो मुझे नहीं समझ रहा कि जहाँ इतनी बेसिकली ऑप्टिक्स के लिए ही कह रहे हैं कि आपको हौसला होता रहे कल जो लोग इंस्टा में फॉलो करते हैं उनको पता होगा मेरे घर पे वो रिप्स पार्टी थी तो हाँ। इसमें जो है वो खैर और फाद अली और ये सारे सिकंदर अली सब थे तो मुझे वैसे ही फोन आ गया वजात साहब का कि मैं तेरे घर के पास हूँ तो मैंने कहा फॉरन आ जाए हाँ। तो वो आ गए वो आए तो तुमने कहा क्या हो रहा है तो हमने कहा जी मैंने कहा वो आपका ना मैंने सुना था कि दांत ठीक हो गए तो हमने फिर रिप्स पार्टी रख ली की आप उसकी खुशी में कहते नहीं मेरे दंद नहीं ठीक हुए मेरे ना दंद पाकिस्तानी पॉलिटिक्स की तरह दे मैं जी की मतलब कहते ने पांच छे मेरे अपने ने बाकी इलेक्टेबल्स कहते तो ला के विखा देना <laughs> ये ऐसी ही पार्टी है <laughs> तो, तो, बस तो वो वही हाँ। है हाँ। ये पार्टियां ऐसी ही, ही होती हैं फिर वही बात है कि यहाँ पे अगर कुछ चलेगा तो वो डायनेस्टिक मॉडल ही, ही चलेगा

उसकी वजह ये है कि वो जो होता है ना इसको सिग्नलिंग कहते हैं कि आपने कहना भी नहीं होता लेकिन लोगों को ना एहसास भी दिला देना होता है कि ये क्या हो रहा है हु, ठीक है सो इसके मतलब अगर आप झंडा देखें तो उसमें वो जो ये जी, निशान है ठीक है वो आप देखें कि वो जब स्ट्रिप्स लगती है ना हाँ, तो वो

नाम रखा था सर जमीन पार्टी आ, मतलब वो क्या था? ठीक है तो इसी तरह तीसरा आप देखिए इनका आपने फ्लैग देखा कि उसमें वाइट है, ग्रीन है, ग्रीन है रेड है और रेड ठीक है सो वो रेड जो है ना वो आप

गाड़ियों पे गाड़ियाँ चढ़ी हुई थी उस टाइम पे उस अनाउंसमेंट से पहले एक रात पहले तो अलीम खान से बहुत वो हो गए मैं कि पता नहीं क्या हो रहा है और वो उनका तो घर के वो बाहर से दिखा था मतलब हाँ। राय साकिब था जो दिखा नहीं, नहीं, था, था, था कि गाड़ियाँ खड़ी हैं हाँ. वो घर खत्म ही नहीं होता गाड़ी चली जा रही है घर भी चला जा रहा है खैर लेकिन इसके अलावा मैं इधर बगैर नाम लिए

दूसरा ये है कि वो अब जब अगर वैसे आ जाते हैं तो जो वो फिर होती हाँ हाँ. वो अब नहीं हो सकती बट अदरवाइज आप ये भी तो देखो ना कि वहां से बुलावा आ गया है इसका मतलब है कि आपको ने ना सिर्फ माफ कर दिया बल्कि आगे आपसे उन्होंने कोई ना कोई काम लेना है इसकी भी अचोरती हो गई है ठीक है सो अगर तो एक इदर, इदर एक इधर इधर इलेक्टेबल को यही तो चाहिए होते है। और ये लोग तो वो जो इलेक्टेबल भी नहीं तो होते पांच हजार वोट भी नहीं ले सकता ठीक है मैं खुद वो तो, तो इलेक्ट्रेबल भी नहीं है ना। खुद की जरूरत ही नहीं है ना हो जाएगा मसला ये है कि अगर इनको ये जो कुछ हुआ है उसके लिए अगर माफ भी कर दिया है विद आर्म्स वाइड ओपन एक्सेप्ट भी कर दिया है आगे फ्यूचर और इस मुल्क में तो किसी के पास दो मिनट आगे की कोई गारंटी नहीं है कि क्या होगा इन्होंने तो आपको एक नई अपॉर्चुनिटी खोल के दे दी है आगे सारा कुछ खुल गया और क्या चाहिए so? कि वही बात है की ज्यादा गाड़ियां ना पड़े तो वो अपना पिछला दुख लेके भी बैठे हैं हाँ, में मजबूर था मेरे हाथ बंधे थे अदरवाइज इस मुल्क में तो आप मतलब एक बंदा जो है एक रेगुलर आदमी कितने प्रोफेशन बदलता है अपनी जिंदगी में मतलब कोई बहुत ही स्टेबल भी होगा ना हाँ। उसने भी चार तो बदले होंगे हाँ। ठीक है और हमारे जैसे तो हम तो हम कहते ये आता नहीं है लेकिन हम यही करूँगा ये सारे इतने लोग हैं मतलब इनके तो आगे कोई अब एस्पिरेशन तो खत्म ना होने वाली चीज है ना अब आप होगी इससे भी आगे और इससे भी आगे और इससे भी

कि आपको ले यार मैं ये नहीं कर सकता तो पैसे होते तो मैं ये कर लं आपने घर से निकलना ही नहीं मैं तो कहता हूँ किसी अमीर बंदे के घर पे ना रोटी खाने जाना चाहिए ना किसी पार्टी पे जाना चाहिए ना कहीं आपको ये महसूस ही नहीं होना चाहिए कि, कि लोगों के पास कितना पैसा है और मेरे पास काम नहीं है पेट्रोल ऐसा मसला नहीं रह गया तो फिर आपने बेड पे ना मैट्रेस लेना है महंगा और थोका ठीक है वो वो ज्यादा आपका साथ भी निभाएगा हाँ, हाँ कंफर्टेबल होना बहुत जरूरी है और उसके बाद आपने सारी

वो भी थोड़ा सा अपना कंट्रोल में है ये ये तो आपको पैसे आ ना तो अब बेसिकली कुदरत ने दे, दे दी हाई तो आग हाँ, ले है। है। दीवार जितना प्रोजेक्टर का हिसाब से आपने चीजें देखनी वो होना चाहिए मेरा साउंड सिस्टम इस तरह का हो कि दिल टूटने की भी आवाज आए हाँ, और स्क्रीन पे आपने नहीं करना। बिल्कुल और डिशे लगवा लें जितनी हाँ। आप लगवाना चाहते हैं सारे आपके सारी स्पोर्ट्स देखें पूरा साल स्पोर्ट्स होती है वो भी देखें ये मेरा खाव है जनरेटर तुम्हारे अंदर से ये ज्यादा आवाज निकल रही जितनी तो बैटरिया फेल हो चुकी है खैर जी बहुत बहुत मुबारक हो जहाँ सी साफ़ साहब को और जानी तो इनके ये वापसी के साथ फ़रहान वर्क भी वापस आ गए हैं बिकॉज ही प्रीवियसली वर्क फॉर हिम एंड आई थिंक उनसे ज़्यादा कोई नहीं जानता होगा लेकिन मुझे ये ज़रूरत है कि जैसे फरहान वर्क को अबेंडन uh, किया गया था यू you नो know, uh, और उसके बाद अदर पीपल टू कोवर एंड एवरी एल्स

यार क्या बात है इंसान को ऐसे होना चाहिए चांस जेड़ा लपे ओदे डांस ठीक है जी खैर अफरान वर्ड भी वापस वर्ड मैं थोड़ा सा जेलस इसलिए हुई हूँ क्योंकि मैं लिटरली अपने आप को कैंडिडेट अपने दिमाग में इमेजन करके बैठी हुई देखिए मुझे कोई जॉब मिल जाएगी पार्टी के अंदर कुछ कराऊंगा कुछ करा तो ही करा हैं मैं तो इतने लोगों को जानती नहीं हूँ तुम शायद जानते हो गए आगे मेरा नाम डाल दो बस मैं ये जॉब करना चाहती हूँ खैर अच्छा जी आगे चलते हैं क्या नाम देते हैं ये भी हो गए सारे आ, ये ना सॉरी अच्छा जी जावेद चौधरी हमने इनके कलम तोड़ सारे कॉलम्स भी बहुत ज़्यादा पड़े हैं आज ही आप बहुत थी थी हो के भी बहुत ही जज्बाती होकर इन्होंने अपनी तस्वीरें लगा दी जा चौधरी साहब के साथ और वो यही रहा था कि उन्होंने बहुत ही सीरियस होकर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म हम तक कम्युनिकेट किया कहते हैं कि जी मुराद सही जो है ना वो रोज़ अपने बाथरूम की टूटियाँ खोल के तो फिर जो है ना वो कम्युनिकेट करते हैं लोगों से ताकि इस वजह से वो पकड़े नहीं जा रहे हैं हाउ आर दो टूटियाँ इंटरफेयरिंग विद द सिग्नल्स ऑफ ऑफिस मोबाइल के वो पकड़े नहीं जा रहे हैं ये क्या था

अपार्टमेंट में या किस ब्लॉक में है हाँ। तो वहां पे आपने कॉल की है तो पीछे अगर एक बंदा गुजर रहा है एम्बुलेंस गुजरी है उसका सायरन आ गया तो आपको समझ आ गया है कि ये है या अगर कोई वहाँ पे रद्दी बेच रहा था या मछली बेच रहा था उसकी आवाज़ आ गई है तो उसमें ये है कि आप बैकग्राउंड में अपने शोर पैदा कर सिर्फ इतना ही हो सकता है ब्रिजस्ट टू द सेम पॉइंट कि जियो फेंसिंग से जिस तरह ने, ने लोगों को पकड़ा है वो मोबाइल से भी पकड़े जा सकते हैं बिकॉज मोबाइल इज एक्टिव लेकिन वो टूटियों वाला चीज मुझे समझ बिल्कुल नहीं आई है लेकिन जितने सीरियस अंदाज से वो बात करते हैं ना इट बिकम्स बिलीवेबल ठीक <laughs> तो. है ना जितने उन्होंने कहा मैं क्या होगा मुझे नहीं समझ में आ रहा पॉइंट बट हीस्टूड समथिंग इट सो सीरियसली अच्छा जी uh, यार uh, कश्मीर में इलेक्शन हुए ठीक है जी अच्छा अब वो यार लास्ट ईयर ना इन अक्टूबर रिमेम्बर मैंने ब्रेक भी दी थी माओजारियाँ से एंड आई वेंट टू कश्मीर साइड एंड वहाँ पे दीर कोट था और वहाँ पे बाघ था और गंगा चोटी मतलब वो सारा एरिया मतलब हम लोग गए थे और वहाँ पे उन दिनों भी कोई इलेक्शंस प्रॉब्ली uh, चल रहे थे उस टाइम पे एंड uh, कोई कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ पे मुझे पीपीपी -पी -पी का झंडा नजर ना आया और सबसे ज़्यादा रैलीज उनकी चल रही थी वो एक्टिवली उस कैंपेन्स चल रही थी नून लीग बहुत कम थी पीटीआई भी तो वो तो खैर नज़र ही नहीं आई ना एक आधे ने हमें जाने का झंडा भी दिया था हम जहाँ जा रहे थे तो अब ये जो एलेक्शंस हारे हैं वहाँ पे नून लीग वाले तो इम, इम, मिस मरियम जो है उन्होंने शुरू कर दी है अपनी टीम समेत के रिगिंग हुई है रिगिंग हुई है मतलब दे आर सेक की ये रिगिंग इज मोर देन द दे पीडीएम जो अलायंस इनका आपस में हुआ हुआ है वो भी बड़े पढ़ने में हमने जो है ना सर रिगिंग रिगिंग की बात करनी है आई नेवर थॉट दे हैड अ चांस इन कशवीर एनीवे इसमें देखिए ना एक हाँ. तो यदि बात ये है कि वैसे तो थोड़ा बहुत तो जरूर हुआ होगा तो हो वो तो हर इलेक्शन में होता है हां लेकिन ऑन ग्राउंड मुश्ताक मिनहास जो इनका है इलोनिकेट उन्होंने वहां पर बड़े हाथ मिलाए उन्होंने कहा जी जबरदस्त मुकाबला हुआ है और पीपल्स पार्टी जीतने yeah. ये इधर लाहौर से कह रहे हैं कि कि जी रिगिंग हो गई है 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 अब वो जाहिर है उसमें प्रॉब्लम वही बेसिकली मरियम साहिबा जहाँ जाती है वहां नून लीग हार जाती है सो इसको एक्सेप्ट कर लेना वो तस्र मेरे ख्याल में जाय करने के लिए हाँ. ये शोर मचाया जा रहा है लेकिन अगेन वही बात है ये इस तरह की बातें जो है वो इट विल नॉट हेल्प द एब्सोल्युटली ठीक है जो अलायंस जो है इस वक्त आप, आपको भी पता सारे इकट्ठे हुए थे तो ये हुआ था जो इस वक्त टाइम हुआ हुआ था ठीक है थीके? आप इस टाइम पे इतना कैजुअली नहीं इसको ले सकते यही बात जो मैंने पहले भी आप कही थी कि मुझे हमेशा से ये मसला मिस मरियम का ये रहा है बाकी भी सेल्फिश इंटरेस्ट के साथ होंगे लेकिन इनको सिर्फ अपनी ही पड़ी होती है ठीक है और उसमें वो ये नहीं सोचती कि ब्रॉडर पिक्चर क्या एंड प्रॉब्लि शी इज़ लिसनिंग टू हर फादर फॉर सम रीजन